लेमडा एम नॉट फॉर NaCl, HCl एंड NaAc आर 126.4 फॉर 25.9 एंड 91.0 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स रिस्पेक्टिवली. कैलकुलेट लेमडा नॉट फॉर HAC. अब दिमाग में यहां पर आ रहा होगा बात कि सर NaCl समझ में आ रहा है, इसके बाद में HCl है यह भी समझ में आ रहा है, लेकिन NaAC फॉर्मूला जो है नहीं सुने थे. ठीक है, ये NaAC क्या है? जैसे हम लोग WhatsApp वगैरह में U लिखा जाता है YOU, लेकिन देखते हो कि कई लोग जो U लिखने के बजाय सिर्फ लेटर ही क्या लिख देते हैं, U. यू आर गुड, तो U लिख देगा, R लिख देगा गुड, यानी कि आप समझ जाइए कि वो जो लिखा है कि यू आर गुड, ये लिखते हैं ना यू आर गुड, तो यू आर बाकी का ये गुड. तो ये क्या यूज कर लिया, एब्रिविएशन. अब यही सब फार्मूला लगा दिया केमिस्ट्री में भी कि सब बुतरू सब बहुत शॉर्ट लिखता है, तो हम फार्मूला भी इसको शॉर्ट में ही बताएंगे. और ये ट्वेल्थ में यहाँ पर भी नज़र आया है, और आगे आप ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो वहाँ पर भी नज़र आएगा. कैसे, जो देखो, मिथेनॉल है CH3OH, और इसका नाम होता है मिथेनॉल, मिथेनॉल. लेकिन अब जानते हो इसको कैसे लिखा जाता है, इसे लिख देगा MeOH, यानी मिथाइल अल्कोहल, या फिर इसको क्या कह सकते हैं, मिथेनॉल. उसी तरीके से आप बताओ तो अगर C2H5OH है, इसे इथेनॉल है, तो फिर क्या लिखा जाएगा, ETOH. आप अपनी तरफ से नहीं लिखोगे, लेकिन बुक में ये क्वेश्चन जो है नज़र आएगा. तो ETOH का मतलब हो गया, ET किसके लिए यूज़ किया गया, इथाइल के लिए, यानी C2H5OH के, C2H5 के लिए ET लिखा गया. वैसे ही यहाँ पर AC एसीटेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इस जगह का ये AC एसीटेट के लिए यूज हुआ है, एसीटेट. तो आप थोड़ा सा पढ़ो तो ये क्या हो गया, सोडियम एसीटेट. नाम सुना हुआ लग रहा है, अब सोडियम एसीटेट. सोडियम एसीटेट का फार्मूला क्या होता है, CH3COONa. यानी इस पूरे फार्मूले की बजाय इसकी जगह पर अब क्या यूज कर दिया गया है, AC. यानी कि फार्मूला में नाम का भी पार्ट यूज कर लिया गया है, यहाँ भी हाइब्रिड कंसेप्ट आ गया है. जैसे हम लोग क्लास अभी ले रहे हैं तो हाइब्रिड क्लास ले रहे हैं, यानी ऑनलाइन भी चल रहा है और ऑफलाइन भी चल रहा है. तो वैसे ही यहाँ पर जो फार्मूला भी लिखा हुआ है OH, और इसका नाम भी लिखा हुआ है ET, यानी कि नाम और फार्मूला दोनों को मिला दिया गया, तो ये हाइब्रिड हो गया यहाँ पर. तो इस जगह पर ये भी कंसेप्ट आया है. तो AC कहने का मतलब एसीटेट हो गया, HAC का मतलब H के साथ में CH3COOH, तो देखो तो एसीटेट की जगह पर आ गया CH3COOH, और यहाँ पर H, यानी ये क्या बन गया, एसिटिक एसिड. अब आगे कैसे सोचना है, जो किस तरीके से, यानी नया सिर्फ ये हुआ कि NaAC क्या है, तो वो आप ध्यान रखोगे सिर्फ जानकारी के लिए. NaAC कुछ नया नहीं है, सोडियम एसीटेट है CH3COONa. उसी तरह से आप गेस कर सकते हो कि HAC क्या हो गया, तो CH3COOH, यानी इसका नाम हम लोग पढ़ते हैं उससे बन गया सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट. तो उसी एसीटेट का यहाँ पर AC लिखा गया है, और इन्हें कहा जाता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड विनेगर का कंस्टिट्यूएंट है. अब क्वेश्चन के अनुसार से हम लोग डाटा सेपरेट करते हैं, ध्यान से समझना. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है लेमडा नॉट NaCl, बता सकते हो कैसे ऑनाइज करता है, लेमडा नॉट Na प्लस प्लस लेमडा नॉट Cl माइनस. दूसरा कौन सा है, HCl, लेमडा नॉट HCl, बोलो कैसे ऑनाइज करेगा, लेमडा नॉट H प्लस प्लस लेमडा नॉट Cl माइनस. और एक और है NaAC, तो लेमडा नॉट ऐसे ही पूरा ही लिखो NaAC, तो ये कैसे होगा, लेमडा नॉट Na प्लस प्लस लेमडा नॉट AC माइनस. एसीटेट की जगह पर AC लिख दी, जो फार्मूला में उसी में. अब तो हमें समझ में आ गया कि AC का क्या मतलब है, वैल्यू देखो तो. और एक और है HAC, यानी लेमडा नॉट HAC, तो ये हो जाएगा लेमडा नॉट H प्लस प्लस लेमडा नॉट AC माइनस. इन सब का वैल्यू बताओ तो NaCl का वैल्यू कितना है, 126.4, वही है ना. HCl का वैल्यू 425.9, 425.9.
एन ए एसी का वैल्यू 425.9 है, 425.9, और एनएसी का वैल्यू 91.0, इन सब का यूनिट दिया हुआ है सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल, इनका भी वही यूनिट होगा, इनका भी वही होगा। और एचएसी का वैल्यू निकालना है, इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ये इक्वेशन सेकंड हो गया, ये इक्वेशन थर्ड हो गया, इन तीनों से केमिस्ट्री बस यही था आयन के रूप में। अब इसको बिल्कुल मैथ्स के जैसा सोचना है, नीचे क्लासेस में 6th, 7th, 8th स्टैंडर्ड में आप मैथ्स में पढ़े होंगे, ए प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ है, ए प्लस एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, अब वहां से आपको बी प्लस वाई का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। तो इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड को कभी ऐड करते हैं, कभी मल्टीप्लाई करते हैं, कभी सब्ट्रैक्ट करते हैं, वही कंसेप्ट यहां पर भी अप्लाई करना है। अब जरा सोचो चाहिए आपको क्या, H प्लस और AC। देखो तो इन तीनों इक्वेशन में H प्लस कहाँ मिलेगा आपको, सेकंड वाले में H प्लस मिलेगा, AC चाहिए वो कहाँ मिलेगा, थर्ड वाले में AC का वैल्यू मिल जाएगा। यानी इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें H प्लस और AC माइनस तो मिल जाएगा, लेकिन साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा भी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, यहाँ से क्या एक्स्ट्रा मिल जाएगा, Cl, और यहाँ से Na। तो बताओ आप क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी यहां हमें करना होगा इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड को ऐड करेंगे और इसमें से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करेंगे। यहां सिर्फ पहले वाले क्वेश्चन में आपको हम ये तोड़ करके आयन समझाए, आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला ही दिमाग में रखना है, यानी कि आप ऐसे समझ सकते हो कि हमें निकालना था लेमडा नॉट एच ए सी, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, लेमडा नॉट एच मिला था कहां से, एच सी एल से, और इसके साथ ऐड कर दिए किसको, एन ए ए सी को, तो यहां से हमें एच मिल गया और यहां से क्या मिल गया, ए सी, लेकिन एक्स्ट्रा में कौन है, एन ए और सी एल, तो यहां से माइनस कर दिए लेमडा नॉट एन ए। देखो तो वही किया है ना, इक्वेशन सेकंड है, इक्वेशन थर्ड है, इन दोनों को ऐड कर दिए और इक्वेशन फर्स्ट को क्या किया है, माइनस। अब वैल्यू भी याद करना पड़ेगा, 91 है और ये 425.9, तो यहाँ लिखा जाएगा 91.0 प्लस 425.9 और माइनस कर दिए किसको, ये कितना वैल्यू है, 126.126। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखो वैल्यू कितना आ रहा है, 91.0 प्लस 425.9 माइनस 126.4, कितना वैल्यू आ गया, 390.5, यानी 390.5 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर